और रीग्रोथ से डेफिनेटली अपना को हील अप करा। Well, एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी थी टीम एनिग्मा की तरफ से। एक दो प्लेयर वहाँ पे फोर्स बाय करते आपको नजर आए, कुछ प्लेयर्स वहाँ पे यू नो हाफ बाय करते हुए नजर आए, ब्यूटीफुल स्टफ। लेकिन अभी तक राउंड उनके हाथ में नहीं आया है। ये राउंड जीतना बहुत जरूरी है और राउंड जीतने के लिए बस्टर का यहाँ पे अपने वैंडल के साथ प्रदर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल फिर, और अभी के लिए गोस्ट अपनी लोकेशन चेंज कर चुके हैं, अब 8 आवर की तरफ होल्ड करते हैं, वेट कर रहे हैं जैसे खिलाड़ी। कोई स्मोक अवेलेबल नहीं है स्पीरो, अगर गाइडिंग लाइट रहती है तो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल किया जाता है, बट अभी के लिए काउंटर स्ट्रेफिंग जरूर करेंगे यहाँ पर। सामने खिलाड़ी राइट में स्कल जरूर रहते, लेकिन लोकेशन स्पॉटेड हो चुकी है। केजी के पहले उस टर्रेट को आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वो आपके लिए काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है आपकी लोकेशन स्पॉटेड करके। और यही चीज मैं बोला स्पीरो, आपको टर्रेट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। हेलफ जब तक है तब तक मुमकिन है, और हेलफ वहां पे एक अच्छा खेल निकालते हुए प्लांट भी मेरे ख्याल से यहाँ पे कर देंगे। घोष बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हेलफ 30 HP के साथ मौजूद है और बहुत इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पे हेलफ की तरफ से आता हुआ। लॉकडाउन अनेबल कर दी गई है, टाइम को वेस्ट कराया जाएगा यहाँ पे। मैं देखना चाहूंगा क्या ये राउंड निकाल सकते हैं टीम माही हेल्थ फाइटर। बिल्कुल फिर वेट तो किया जा रहा है। अगर हम बात करें जेट के पास, जेट अगर गन चेंज करते तो बेस्ट रहेगा उनके लिए, क्योंकि हेलफ की जो लोकेशन है शायद अभी तक उनको नहीं पता अंदाजा। उनको लग रहा है शायद वो लैंप्स के अंदर ही नजर आ रहे हैं, फर्स्ट को लग रहा है शायद पीछे से भी आ सकते हैं। तो ये टाइम खेलना है उनको, और अगर टाइम खेलने में कामयाबी मिल जाती है उनको तो बहुत बेस्ट रहेगा। अगर हम बात करें नेटवर्क कॉम्बी उन्होंने नेबल नहीं करा था, और ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आता है, शायद मुझे लग रहा है स्पीरो शायद डिफ्यूजर, क्या लगता है आपको? नहीं होगा, आई डोंट थिंक डिफ्यूज होगा। हो गया 0.01 सेकेंड। प्लेस भी स्टंट है स्पीरो, अगर आप देखेंगे रिएक्शन से गेम तो इससे ज्यादा क्लोज तो हो भी नहीं सकता। 0.01 सेकेंड, हेल एफ लगभग लगभग एक मिरेकल निकालते हुए वहां पे नजर आते थे।